नमस्कार, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका बॉलीवुड स्पाई में। आप सभी दर्शकों को मैंने पास में एक बात बताई थी, ये जो कोरोना काल चल रहा है, जो कहीं कहीं खत्म भी हो रहा है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम ऐसी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स देखेंगे, ऐसी ऐसी फिल्म्स देखेंगे या फिर ऐसी वीडियोस देखेंगे जो कि इस पूरे पेंडेमिक को दर्शाएगी, इस पूरे पेंडेमिक को किस तरीके से लोगों ने लिया, किस तरीके से वो सिचुएशंस में गए, किस तरीके से उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर हुआ, या फिर अगर मे भी हो सकता है कुछ ऐसा दिखाए कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अब आपको बताना चाहता हूं एक मेजर इंपॉर्टेंट बात, एक शॉर्ट फिल्म आई है वो भी जेनिफर फातिमा की। दोस्तों ये वो एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, कॉन्सेप्ट थिंकर हैं जो कि यू नो गल्फ में रहती हैं और ये जो है बॉलीवुड में भी हाथ आजमा रही हैं। जेनिफर फातिमा की अगर बात करें दोस्तों, तो उन्होंने एक डायरेक्शन और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ अपनी नई शॉर्ट फिल्म द वेव जो है सोशल मीडिया पर डाली है, यानी कि यूट्यूब में हाउस ऑफ जेन जो कि उनका यू नो यूट्यूब चैनल है उसमें डाली है, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स और किस तरीके से लोग जो है अभी होते हुए भी कोरोना के होते हुए भी आजाद घूमने लगे हैं, जिससे केसेस में बढ़ोतरी हुई है, उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, शॉर्ट फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है और आप इसे एक मैसेज फिल्म कह सकते हैं। मतलब कि ये गवर्नमेंट जिस तरीके से इशू कर रही है चीजें कि वी हैव टू बी यू नो वेरी केयरफुल, हमें हाथ जो है सैनिटाइज करते रहना है, प्लस साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, प्लीज इसको चीज को सोचिए मत कि ये खत्म हो गया है। द वेव नाम से ये शॉर्ट फिल्म है दोस्तों, और जिसमें कि एक वेव आई और एक वेव जो है आते ही सारी चीजें बहा के ले गई, यानी कि ये कोरोना की जो वेव आई, तो इसको दिखाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखिएगा, इंट्रीगिंग शॉर्ट फिल्म है और साथ ही साथ मैसेज इसका अच्छा है, और किस तरीके से इसमें कैरेक्टर है एक मॉम का, वो अपनी बेटी को किस तरीके से सफर होते हुए देखती है, ये सारी चीजें बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में भी सेम ऐसी ही होती है। सो यस, अगर आपके पास टाइम है तो जाके देखिए, एक मैसेज वाली फिल्म है, तो मैसेज वाली फिल्म आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं इजिली। So yes, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलक श्रीवास्तव। दोस्तों बॉलीवुड स्पाई को तो आपने बहुत सारा प्यार दिया है, अब हमारे नए चैनल फूड स्पाई को भी आपकी उसी प्यार और सम्मान की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूं बॉलीवुड स्पाई का, जिन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को शो करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों फूड स्पाई पे आपको मिलेंगी ढेर सारी रेसिपीज, इजी एंड क्विक रेसिपीज, एंड सेलिब्रिटीज खुद बताएंगे कि वो कौन सा डाइट प्लान फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।